आवाज कट रही है लगता है। अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं महाराष्ट्र से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, बोले। फोन बंद कर दे अपना, दूसरा फोन बंद कर दे, आवाज आ रही है। बताएं क्या मसला है? मसला ये है कि वाइफ को मास्टर स्टडी के लिए भेजना है। क्या पढ़ती हैं वो? सब्जेक्ट क्या है उनका? उसका एक्चुअली बीएससी बीएड हो चुका है यहाँ पे बायोलॉजी में। कौन से साल में? 2015 में उसने बीएससी बायोलॉजी कंप्लीट किया है और प्लस बीएड किया है 1 ईयर्स तो 2016 में। अभी कोई एक्सपीरियंस है उन्हें? काम करने का एक्सपीरियंस है? प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है उनको? वो 6 to 10 के लिए वो पढ़ाती थी, 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास में। ओके अभी नौकरी। और 2017 में हमारी शादी हुई, लगभग अब 3 साल हो चुके हैं। शादी के बाद जॉब नहीं किया मेरे ख्याल में। शादी के बाद जॉब नहीं किया। ठीक है, इंग्लिश का स्कोर है उनके पास? इंग्लिश वो आईलेट्स का स्कोर है? ने आइल्स की अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले थे, क्यों तो हमारे यहाँ से एक बंदा बी हो चुका था, वो एमई करने के लिए वहाँ पे कनाडा गया है अभी फिलहाल में, तो उसी से थोड़ा सा गाइडेंस लिए हैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए करके। तो गाइडेंस मिली उनसे? कुछ अच्छी गाइडेंस मिली? क्या मिला, क्या बताया उन्होंने? दिखाया है कि वह वाईएक्स करके पुणे में एक कंपनी थी, वो कंसल्टेंसी से उसने किया था और उसी के जरिए से उसने फिर आइल्स की वगैरह प्रिपरेशन की और उसका आइल्स का परसेंटेज बोलते बॉन्ड वगैरह 6.2 कुछ तो भी समथिंग आया है। तो लेकिन कोविड की वजह से उसकी फ्लाइट थी अभी जून में, बट वो कैंसलेशन हो गई उसकी, अभी एडमिशन हो चुका है उसका वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से सुने, मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताता हूँ, आपके काम आएंगी। जी। सबसे पहली बात यह है कि अगर वो इतनी पढ़ी लिखी हैं तो उनको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मर्जी उनकी हाँ है, साथी। कंसल्टेंट के पास जाना है तो जाए, नहीं जाना तो नहीं जाए। कंसल्टेंट की जो कमाई होती है वो होती है कमीशन से। कमीशन कंसल्टेंट को मिलती है, आप जो ट्यूशन फीस पे करते हैं उनसे उनको कुछ परसेंट कमीशन मिल जाती है। किसी को $1,000, किसी को 1,500, दो दो हजार डॉलर भी कमीशन मिल जाती है। तो इसलिए कंसल्टेंट, सो कॉल जिसको कहते हैं कंसल्टेंट, वो एक एक्चुअली एक सेल्स एजेंट है वो कॉलेजेस का। कॉलेजेस दलालों को रखते हैं, दलाल कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं कंसल्टेंट, तो उनको रखते हैं जिससे कि आप स्टूडेंट दें और आपको कमीशन दें। तो ये एक तो पॉइंट समझने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर अच्छा करना चाहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको कॉलेज भी अच्छा मिलेगा और आपके वीज़ा के चांसेस भी अच्छे मिलेंगे। तो अच्छा स्कोर क्या होता है? 6 है, 6.5 है, 7 है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं आप लाएं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपको अभी से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जहाँ पर भी जाना है अपने आप सोच के रखें। गूगल पे बैठे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, उसमें जो जो प्रोग्राम आपको पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, एजुकेशन पढ़नी, जो पढ़ना है सब कुछ गूगल पे दिया हुआ है आजकल। ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट के पास कुछ खास स्पेशल नॉलेज है या जो कनाडा में बैठे हैं उनके पास कुछ खास कोई प्राइवेट प्रिविलेज नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आप तीन चार यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, उसके अंदर प्रोग्राम देखें। प्रोग्राम अगर आपके मनपसंद का है फिर देखें कि सेप्टेम्बर के लिए खुला हुआ है या जनवरी के लिए खुला हुआ है, और ऑनलाइन ही अप्लाई करें। सारी एप्लीकेशन आजकल ऑनलाइन होती है, रेयर ही कोई कॉलेज है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लेता। सब सब जने आजकल कहते हैं जी घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, घर बैठे ही आप अपनी उसके ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करोगे, फिर उसको अपने जो डॉक्यूमेंट्स को भेजोगे, सारा सब कुछ एवरीथिंग क्रेडिट कार्ड से फीस पे हो जाएगी। सो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा आपको रीजनेबली। यू नो वी डोंट नो कि आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में कितना देर लगेगी, हो सकता है कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर या इवन इवन अर्लियर आपको वहां से एक इंटीमेशन आ जाएगी कि आपको हम एडमिशन दे रहे हैं, दे रहे हैं। जब आपके पास ऑफर लेटर आ गया तो ऑफर लेटर के साथ अपना आप स्टडी वीज़ा, जब दिल्ली में हाई कमीशन खुलता है तो आप स्टडी वीज़ा अपना पेपर बेस कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। चौथी बात सबसे बड़ी ज़रूरी बात है वो है पैसे की बात, क्योंकि कॉलेज में जा रहे हैं आप, वहाँ की फ़ीस पे करनी है। 1 साल की फ़ीस तो पहले पे करनी पड़ेगी, फिर लिविंग एक्सपेंसेस हैं। तो कम से कम आप मान के चलो कि आपके पास 25 या 30 हजार डॉलर
का आपके पास इंतजाम होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो पिछले एक साल की बैंक स्टेटमेंट उठा लें या 6 महीने की मिनिमम उठा लें, उसमें आप सोचें कि कम से कम आपके पास 12-13 लाख का आपके पास अगर पुराने फंड्स होंगे तो ये बेटर है आपके वीजे के लिए। तो आपको जो कॉलेज की फीस देनी है, अगर आप मान के चलें, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मान के चलें कि 18,000 या 16,000 फीस है, तो वो फीस आपको पहले देनी पड़ेगी। कॉलेज की अपनी पॉलिसी होती है कि पहले लेंगे या 6 महीने की पहले लेंगे, तो कॉलेज विल टेल यू। आप SDS प्रोग्राम में आपको कॉलेज की फीस पहले देनी पड़ेगी और आपको लिविंग एक्सपेंसेस करीब करीब जो 10,000 हैं तो वो आपको पहले देने पड़ेंगे। तो ये खर्चा जो आपका पहले ही खड़ा हुआ है और आपको ये देना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास फिर भी बैंक बैलेंस बनना चाहिए क्योंकि आपको बैंक बैलेंस स्टेटमेंट लगानी है। तो उसके हिसाब से वो प्रूफ ऑफ फंड्स देकर आपको वीज़ा देते हैं। जो मेन बातें हैं जो स्टूडेंट वीज़ा की जो वीज़ा ऑफिसर देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये स्टूडेंट बोनाफाइड है, जेन्युइन है स्टूडेंट है, ये पढ़ाई के लायक है, इसका कोर्स रेलिवेंट है, ये पढ़ भी सकेगा नहीं सकेगा, इसका जो एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कई लोगों का होता है कि भाई कनाडा भागना है PR लेने के लिए स्टूडेंट के बहाने, क्या वो इसका एम है या वाकई ये पढ़ाई करने के बाद, ये इसको पढ़ने के बाद लॉ को फॉलो करेंगे। PR तो सब अप्लाई कर जाते हैं, बट डज शी हैव अ इंटेंशन टू रिटर्न, तो वो एक चीज़ देखते हैं आपके स्टेटमेंट पर्पस में। जो दूसरी चीज़ वो जरूर देखते हैं कि आपकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, ऐसा तो नहीं कि पुराने कहीं कनाडा के रिफ्यूज़ हो चुके हों, किसी और कंट्री के रिफ्यूज़ हो चुके हों, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह कनाडा में रह रहे हैं, शायद उनकी तरफ से कोई इनविटेशन आ रहा हो कि यहाँ पर सेटल होने का स्टूडेंट एक अच्छा तरीका है। तो ये सब बातें जरूर देखेंगे अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज लेटर, ऑफर लेटर, की भी प्रेस्टिजियस कॉलेज है या छोटा कॉलेज है या अननोन कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, यू नो दोज आर थिंग्स। तो ये सब देखेंगे और आपको जैसे मैंने बताया कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। सर अगर अपने को जो उसके अंदर MSc बायोलॉजी करना है वहाँ पे, तो उसके अलावा साथ में पोस्ट वीजा भी लगा सकते हैं। दो क्वेश्चन का अलग अलग मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ, MSc बायोलॉजी पढ़ सकती है क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है कि उसको बायोलॉजी में कितने उसके मार्क्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से एडमिशन। तो ये डिसीजन यूनिवर्सिटी ने करना है, आपने मैंने नहीं करना। तो दैट MSc बायोलॉजी इज़ अ गुड कोर्स, पढ़ सकती है। दूसरा, स्पाउस वीज़ा भी लगा सकती है। स्पाउस वीज़ा का जो आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए आपको, 4 साल हो गए, 3 साल। हाँ, स्पाउस वीज़ा लगा सकते हो, आपकी कोई नहीं, आप बच्चे भी हैं आपके? नहीं सर, अभी फिलहाल में तो नहीं है कुछ। आप दोनों इकट्ठे लगा सकते हो। आप क्या करते हो, जॉब क्या करते हो आप? डेरी डिप्लोमा इन डेरी मैनेजमेंट एंड हस्बेंड्री हो चुका है वैसे, और साथ में गारमेंट्स का बिजनेस भी है और खेती वगैरह भी है। ठीक है, तो और रिटर्न भी फाइल कर। सही बात है। तो आपका आपके सवाल का मैं संक्षिप्त में छोटे में जवाब दे दूं कि हाँ, आप स्पाउस वीजा साथ में हस्बैंड वाइफ इकट्ठी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें शादी आपकी ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, वो उसका एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप शो हो रहा है। और लेकिन हस्बैंड को आपके पैसे, आपके आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपके अपने ITR, आपके अपने प्रूफ ऑफ इनकम, वो सारे लगेंगे और उसमें काफ़ी सफिशिएंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फीस पे करने के बाद, कॉलेज की फीस पे करने के बाद और कॉलेज की जो लिविंग एक्सपेंस पे करने के बाद, आपके पास या तो हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट हो या आपके पास कम से कम 14-15 लाख रुपए होने चाहिए पुराने फंड्स। पुराने फंड फीस पे करने के बाद में, सब कुछ खर्चा करने के बाद। हाँ जी, सब कुछ खर्चा करने के बाद यही पूछना था बात। तो अदर कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बहुत लोगों के जॉइंट्स हस्बैंड वाइफ के वीजे लगते हैं और मेरे पास ही कई क्लाइंट्स के रेफरेंस है मेरे YouTube पे, जहां पर लोगों ने इसके पहले बिजनौर वाला जो देखा था, बिजनौर के जो उनका देखा था। अच्छा। और बहुत से लोग बोले हैं कि भाई स्पाउस वीजा लगना मुश्किल है, रेयर चांसेस है, क्यों तो स्टूडेंट्स को पहले वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद में उसके आई कार्ड वगैरह, वो कॉलेज की सब फैसिलिटी वगैरह आपको भेजना पड़ेगी, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा सुना था। उसका भी मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूँ, शायद आपके माध्यम से बहुत लोगों को थोड़ा सा एक क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरी पॉलिसी क्या है इसमें और जो गवर्नमेंट क्या कहती है और जो मार्केट की जो रियलिटी क्या है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
स्टूडेंट वीजा का जो धंधा है वो एजेंटों के सिर पे चलता है, और एजेंट जो जिसको कंसल्टेंट भी कहते हैं बहुत जगह में, तो ये लोगों को कमीशन मिलती है कॉलेज से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो यूनिवर्सिटी ने मेरे को कमीशन दे दी $1,000 $2,000 डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, तो वो मेरी कमाई है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे को कमीशन मिले तो मैं हस्बैंड सॉरी वाइफ को पहले भेजूंगा कि मेरे को पता है कि इसको स्पाउस भी इसको स्टडी वीजा मिल जाएगा। अगर मेरे को लगता है कि स्टडी वीजा के साथ साथ इसको स्पाउस वीजा करना है, और स्पाउस वीजा के चक्कर में ऐसा नहीं कि दोनों का रिफ्यूज हो जाए तो मेरी कमीशन भी मारी जाएगी, इससे बचने के लिए मैं सोचता हूँ कि भाई कमीशन तो मिले, छोड़ो हस्बैंड को पहले, वाइफ को तो भेजो पहले, कमीशन तो हाथ में आए। तो हम इस डर के मारे हम वो रिस्क नहीं लेते, जो लोग एक जनरल वो है कि क्या करना रिस्क लेके, कम से कम इतनी कमाई तो हो, आप बाद में एक सेमेस्टर के बाद या कुछ महीने के बाद फिर हस्बैंड का देखेंगे, लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, हम बोलेंगे जी हमने ट्राई किया। तो एक जनरल एक सोच है, मार्केट की साइकोलॉजी है कि भाई जहां से कमीशन आ रही है पहले उसका तो लगे, बाद में हस्बैंड के देखेंगे। इसलिए लोग स्पाउस वीजा का इकट्ठे लगाने लगाने से डरते हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है, हेजिटेशन होती है कि भाई ऐसा ना हो चक्कर में कि दोनों का रिफ्यूज हो जाए। लेकिन परसेंटेज वाइज चांस कितना है सर अगर दोनों इकट्ठे किए तो? सर जी, ये सवाल तो आपने ये पूछा कि आप डॉक्टर के पास बोलो कि डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी हो कर रहे हैं आप, इसका परसेंटेज कितना है, चांस कितने में ठीक हुआ, तो डॉक्टर आप बता नहीं सकता, बहुत मुश्किल है बताना कि इतने परसेंटेज आपकी सर्जरी कामयाब होगी। ये तो केस बाय केस पे डिपेंड करेगा कि अंदर क्या है। स्पाउस वीजा में चलो उसका तो एक स्टडी वीजा के क्रेडेंशियल एक स्ट्रॉन्ग है उसके, ठीक है लग जाएंगे, लेकिन साथ में दो चीजें देखते हैं कि हस्बैंड का रिलेशनशिप देखते हैं, शादी कितनी पुरानी है वगैरह वगैरह, और हस्बैंड की एस्टैब्लिशमेंट क्या है। अगर हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, हस्बैंड के पास नौकरी नहीं है, हस्बैंड के पास इनकम नहीं है, आईटीआर नहीं है, जो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं इस कॉल्ड टाइज टू कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर वो टाइज टू कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर अगर बिल्कुल मुकम्मल नहीं है तो फिर डावाडोल है, फिर हस्बैंड को वीजा नहीं मिलेगा। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको परसेंटेज दे दूं, लेकिन आपको अगर आपने आंकड़े पूछे हैं तो आप मान के चलो कि स्टैंड अलोन स्पाउस वीजा जो है, दिल्ली हाई कमीशन की बात कर रहे हैं, करीब करीब 66 या 70% वीजा रिफ्यूज होते हैं। डैट मीन्स के 10 एप्लीकेशनों में से 6 या 7 एप्लीकेशन स्पाउस वीजा की रिफ्यूज होती होती है। थोड़ा सा आंकड़ा से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली दिल्ली में जो ज्यादा केसेस देखते हैं वो नॉर्थ इंडिया के देखते हैं। अगर आप यही आंकड़ा अगर वहाँ बेंगलोर का लो तो बेंगलोर में 50% है करीब करीब। सो थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन। सर मुझे तो नजदीक है, बेंगलोर पड़ेगा, दिल्ली मुझे दूर पड़ता है, तो मुझे ट्राई कहाँ करना पड़ेगा फिर इसलिए? सर जी, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालें, आप वीएफएस को डालें, वीएफएस अपने जहाँ जहाँ पर भेजना है वो भेज देंगे, अगर आपका एरिया वहाँ पड़ता है तो वहाँ भेज देंगे। ये पूछना था। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।